राजस्थान में उदयपुर की अर्थव्यवस्था की बुनियाद टूरिज्म है। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी उदयपुर पहुंचते हैं। इस साल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ऐसे उपायों की मांग कर रहे हैं जिनसे उद्योग को बढ़ावा मिले। होटल कारोबारी शहर में नए टूरिस्ट स्पॉट विकसित करने की मांग कर रहे हैं। हमारी इच्छा रहेगी मेवाड़ और वागड़ से संबंधित जितने भी योद्धा रहे जिन्होंने आज़ादी दिलाई महाराणा मेवाड़ महाराणा प्रताप के साथ लगे, तो एक ऐसा एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बनाना चाहिए जो एक ही प्लेस पे बाहर के जो टूरिस्ट आए वो वहाँ से मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को देख के जा सके, सीख के जा सके। जैसे स्टैचू यूनिटी है, उसी तरह का एक स्टैचू बनाना चाहिए मेवाड़ वागड़ के सभी योद्धाओं का। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है और यहाँ पर प्राकृतिक अलावली की पहाड़ियाँ चार तरफा उपलब्ध है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि राज्य सरकार को और वन विभाग को केंद्र सरकार यदि निर्देश दे तो यहाँ कम से कम 10 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, और नए अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है तो निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में जो संख्या आ रही है पर्यटकों की उससे 3 गुना और यहाँ पर पर्यटक आने लगेंगे। हाल में उदयपुर की पहचान नामचीन शादियों के अहम डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुई है। कई मशहूर हस्तियों ने शादी के लिए इस शहर को चुना है। कुछ लोगों की मांग है कि उदयपुर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने में मदद करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि इस साल के बजट में ऐसे उपायों का ऐलान किया जाएगा जो यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर माहौल बनाएंगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग्स होने लगी है, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है, तो हम उदयपुर की लगातार डिमांड रही है कि उदयपुर में फिल्म सिटी की स्थापना, इंडिया की एक बड़ी फिल्म सिटी के रूप में उदयपुर भी जाना जाए। टूरिज्म इंडस्ट्री की इस साल के बजट से एक और प्रमुख मांग है। ये मांग कई सेक्टर की है, GST दर में कटौती करना। हमारा तो यही मानना है कि अगर पर्यटन को न केवल देश विदेश में बल्कि इसको जितना भी अधिक स्तर पर इसको बढ़ाया जाए तो इस व्यवसाय को 4 चांद लग सकते हैं। आवश्यकता है GST को कम रेट पे करना, आवश्यकता है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्रेजेंट मौजूद है उसको बेहतर तरीके से, चाहे तो वो निजी हाथों में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में, इसे दे के इसको एक नया स्वरूप दे सकते हैं। केंद्रीय बजट से टूरिज्म इंडस्ट्री की कई उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ये देखने का इंतजार है कि बजट में उनकी कितनी मांगें पूरी होती हैं।